हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एंगल्स के बारे में। एंगल्स यानी क्या होते हैं, एंगल को किससे मेजर किया जाता है। तो दोस्तों, एंगल का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। एंगल समझने के लिए सबसे पहले रे क्या होता है यह हमें पता होना चाहिए। इस पॉइंट को देखिए, हम इस पॉइंट से किसी भी एक डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस लाइन को रे कहते हैं। यदि हम इसी प्रकार से सेम पॉइंट से एक दूसरी रे किसी और डायरेक्शन में बनाते हैं तो हमें इन दोनों रे के बीच में एक जगह दिखाई देती है, इसे एंगल कहते हैं। एंगल को हम इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं, सम मेजर ऑफ एंगल बिटवीन टू रेज। इसका मतलब है दो रेज के बीच की जगह एक एंगल बनाती है। एंगल के इन दो रेज को आर्म कहते हैं। जिस आर्म से एंगल की शुरुआत होती है उस आर्म को इनिशियल आर्म कहते हैं, और जिस आर्म पर एंगल का एंड होता है उसे टर्मिनल आर्म कहते हैं। आप देख सकते हैं ये दोनों आर्म एक पॉइंट पर एक दूसरे को मिल रहे हैं। एंगल के दोनों आर्म के मीटिंग पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। इस वर्टेक्स को ओरिजिन भी कहा जाता है क्योंकि इन दोनों रेज का ओरिजिन पॉइंट एक ही है। सो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं हम एंगल से घिरे हुए हैं। जैसे कि जहाँ हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब चीज़ें हमें कोई ना कोई एंगल दर्शाती है। फॉर एग्जाम्पल, आज के युग की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मोबाइल। आप देख सकते हैं मोबाइल के चारों कॉर्नर एंगल फॉर्म करते हैं। उसी प्रकार से टीवी भी एक एग्जाम्पल है, टीवी में भी एंगल्स फॉर्म होते हैं। अनदर एग्जाम्पल है वॉच। वॉच इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर एंगल। तो आप देख सकते हैं इस घड़ी में घंटे और मिनट काटे के बीच में कोई ना कोई एंगल फॉर्म होता रहता है। इन एंगल्स को प्रोट्रैक्टर से मेजर किया जाता है। सो फ्रेंड्स, क्या ये एंगल्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं? एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, ये हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।